नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 13 सितंबर। सबसे पहले अगर वीकली अपडेट की अगर बात करें एग्री मार्केट के अंदर, तो सोयाबीन में हमने 1.5% की गिरावट आती है देखी, मस्टर्ड में 3.5% की तेजी, कैस्टर में 3.5% की तेजी, जबकि सीपीओ और रिफाइंड सोया में हमने गिरावट आती हुई देखी। बिकॉज जिस ढंग से एक अंदेशा लगा रखा है कि गवर्नमेंट में इंपोर्ट ड्यूटी पे कुछ करेक्शन आ सकता है, वैसा ही कुछ हुआ। उसके बाद हमने प्राइजेस में पहले से ही गिरावट आती हुई देखी, बट ओवरऑल डिमांड सिनेरियो बना हुआ है जो लोअर लेवल्स पे प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। बट सितंबर मंथ में सप्लाई भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। मसालों के अंदर भी हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा, जहां हल्दी 2.5% की तेजी, जीरा फ्लैट था, जबकि धनिया में गिरावट थी। बड़ी तेजी के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सितंबर मंथ में थोड़ा प्रेशर रहेगा। जिस ढंग से अच्छी बारिश के चलते उम्मीद है कि अगली क्रॉप के लिए पानी पर्याप्त रहेगा, जो कहीं ना कहीं रबी क्रॉप पे दबाव ला सकता है। गवार सीड गवार गम में हमने पिछले हफ्ते में 12-13% की तेजी दोनों काउंटर में आती हुई देखी, बट संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि हायर लेवल पे बिकवाली हावी हो सकती है। मेंथा में बाइंग अभी भी एक्टिव रहेगा, 1000 का लेवल तोड़ने पे 1020 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर दबाव था और कहीं ना कहीं जो नए अराइवल्स है उसकी वजह से प्राइजेस में दबाव बन सकता है। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो सोयाबीन को लेके चलिए, डिस्पाइट के गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लिए हैं उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट का भी सपोर्ट है, जहाँ पे 1290 के करीब सोयाबीन ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल आज के लिए बाइक करके चलिए 6550 के टारगेट के लिए। रिफाइंड सोया ऑयल में जिस ढंग से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी पे जो कंसर्न्स रखा है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे थोड़ा सा दबाव ला सकता है। बट ध्यान रखिए, अक्टूबर वाइजर अगर हम बात करें तो इनकेस अगर प्राइजेस के अंदर फर्दर थोड़ा सा वीकनेस मिलता है तो हमें लेके काम करना चाहिए। 1300 से लेकर 1340 का रेंज रहेगा सोया रिफाइन का। वहीं मस्टर्ड की अगर बात करें तो बड़ी तेजी के बाद थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग 85-85.50 के करीब मिले तो मस्टर्ड लेके चलिए अक्टूबर बाई देखो। लॉन्ग टर्म तेजी रहेगी, शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। कैस्टर के अंदर भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर 6150 से 6200 का सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। मसालों में एक प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है। कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर वायदा 2480 से 2500 के बीच में हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। गवार सीड गवार गम में फिजिकल मार्केट में गिरावट के चलते प्राइजेस के अंदर दबाव बन सकता है, बट ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। वहीं मेंथा ऑयल में लेवाली करके चलिए, 1000 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, ये तोड़ने पे हम बड़ी तेजी और देख पाएंगे। कॉटन के अंदर भी एक पुलबैक दिखा सकता है। चार्टिकली रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर कहीं ना कहीं 1300 का सपोर्ट है। कैस्टर के अंदर थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए, जब तक प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है गुंजाइश है। प्राइजेस 6650 से 6700 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकती है। गवार गब के अंदर अब हर्डल है 11000 का एक हर्डल बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी हमने 11500 के लेवल से घूमते हुए देखा। RSI थोड़ा ओवरबॉट दिखा रहा है क्योंकि 78 के करीब है। कहीं ना कहीं पुलबैक आता है तो 9800-9900 के करीब का एक सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। वहीं जीरे की बात करें तो दबाव बनना चालू हो चुका है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो 14700 का सपोर्ट ले सकता है अक्टूबर वायदा। आज पूरे एग्री पैक के अंदर अगर हम बात करें तो सोयाबीन इंटरनेशनल फैक्टर को देखते हुए सपोर्ट रहेगा। वहीं गवार सीड गवार गम में दबाव रहेगा, मसालों के अंदर भी दबाव रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।